सबको पता है कि नगर निगम कोटा, जयपुर और जोधपुर के चुनाव थे, बड़े शांतिपूर्वक चुनाव हुए। कांग्रेस पार्टी ने पहले ही कहा था कि तकरीबन जगह पर हम लोग चुनाव जीतेंगे और जनता के विश्वास के ऊपर हमने ये बात कही थी, क्योंकि लगभग 2 साल अभी हुए नहीं पूरे से, लेकिन सरकार ने जिस प्रकार से चाहे नगरों के विकास के काम हो, चाहे अपने जन घोषणा पत्र के वादे पूरे करने की बात हो, चाहे कोरोना काल में ऐतिहासिक प्रबंधन कर लोगों की जान बचाने का काम हो, चाहे किसी को भी भूखा न सोने दिया जाए, इस कोरोना काल में हमारे मुख्यमंत्री जी का जो स्लोगन था, जो संकल्प था, उन सबको ध्यान में रखते हुए तमाम कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और आज जो परिणाम हमारे सामने आए हैं वो बहुत ही सुखद परिणाम है। जनता ने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के सुशासन के ऊपर मोहर लगाई है, जो विकास के काम 2 साल में किए हैं उसमें मोहर लगाई है। जनता ने ये बता दिया कि जिस प्रकार से कोरोना काल इस वैश्विक महामारी में हमारी सरकार, हमारे जनप्रतिनिधि जो जनता के साथ में खड़े रहे, तो जनता ने आप देख सकते हैं कि जिन तीनों नगरों में, कोटा, जयपुर और जोधपुर में पिछली बार हम एक भी नगर निगम नहीं बना पाए थे, उससे पहले भी हम बोर्ड नहीं बना पाए थे, और जयपुर में आपने देखा सीधे चुनाव 2009 में हुए थे, मेयर तो हमारा बना था लेकिन फिर भी बोर्ड हम लोग नहीं बना पाए। आज मुझे बताते हुए खुशी है कि हम लोग जयपुर हेरिटेज में बहुमत के साथ में सरकार बना रहे हैं, तो निर्दलीय 11 से अधिक आए हैं, वो हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी के हैं, वो सारे के सारे हमारे पास में आ चुके हैं। और जोधपुर में उत्तर में इतना बड़ा अंतर है जो आज तक कभी नहीं हुआ। कोटा में आप देख सकते हैं कि कोटा उत्तर में बहुत बड़ा अंतर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से रहा। दक्षिण में भी निर्दलीय जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में विश्वास नहीं रखते हैं वो लोग हमारे संपर्क में हैं। कोटा में हम दोनों जगह बनाएंगे, जोधपुर में और जयपुर में एक एक जगह फाइनल है, 2 जगह पर, एक जोधपुर में और एक जयपुर ग्रेटर में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत हुआ है। इतिहास में पहली बार जो परसेंटेज कांग्रेस का रहा है, आप जयपुर का मैं एक छोटा सा आंकड़ा देना चाहता हूं कि पहले चुनाव में 22%, दूसरे में 24, तीसरे में 31, चौथे में 33 और पांचवे में 19 और आज हम 40 से कहीं अधिक, 45 और 40 के बीच में हम लोग बहुमत लेकर के आ रहे हैं। ये इस जयपुर, कोटा और जोधपुर की जनता की जीत है, हमारे तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की जीत है, और मैं ये कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जनता ने हमारी सरकार को जो मैंडेट दिया था उस मैंडेट के ऊपर हम लोग खरे उतरे हैं, हमारी सरकार खरी उतरी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के इलाके में भी हम लोग 4 में से 2 कांग्रेस पार्टी के पार्षद जीते हैं। मैं समझता हूं मोहनलाल जी गुप्ता जो
इतने बड़े सीनियर लीडर हैं, काफी वर्षों से उनका एकाधिपत्य रहा है, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी जीती है। मैं नाम नहीं गिनाना चाहता, केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं आप सबसे कि कांग्रेस पार्टी का ग्राफ बराबर बढ़ता जा रहा है। जिन शहरों में हमारी इक्का दुक्का जगह सरकारें होती थी कांग्रेस की, वहां पर आपने देखा होगा कि पहले जब 49 नगर परिषद और उसमें चुनाव हुए थे तो भारी बहुमत के से हम लोग जीत करके आए थे। आज नगर निगम के चुनाव में 54 सीटीज में फिर जनता ने साबित कर दिया है कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसकी सरकार जब जब बनती है तो शहरों का विकास होता है और सभी वर्गों को साथ लेकर के काम किया जाता है। आने वाले चुनाव, कल से नॉमिनेशन है पंचायती राज के, जो सरपंचों के चुनाव हुए हैं उसमें 70% से कहीं अधिक कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी के लोग चुनाव जीते हैं। अब पंचायत समिति और जिला परिषद प्रधान और जिला परिषद प्रमुख, उसके चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ऐतिहासिक बहुमत के साथ में सरकारें बनाएगी। ग्रामीण और शहरी दोनों सरकार बनने के बाद में और तेज गति से हमारी सरकार शहर और गांव में विकास के काम करेगी और तब तक हम इस कोरोना वैश्विक महामारी से भी उभरेंगे और उसके बाद में जनता ने जो सर आंखों पे बढ़ा करके सरकार दी है, मैं समझता हूं कि सपनों को हम साकार करेंगे। आज की जीत मैं तीनों नगरों कोटा, जोधपुर और जयपुर के तमाम मतदाताओं को समर्पित करता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमने एक ही निवेदन किया था कि कड़ी से कड़ी जोड़िए, सरकार के साथ भागीदारी निभाइए और उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार किया, उन्हें आशीर्वाद दिया और तेज गति के साथ में हम लोग विकास के काम करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि पंचायत राज में भी कल से जो महापर्व शुरू हो रहा है नॉमिनेशन का, उसके बाद में जब रिजल्ट आएंगे ऐतिहासिक रिजल्ट होंगे। आज तक के इतिहास में जितना बहुमत नहीं मिला उतना शहरों में अभी मिला है और पंचायत राज में भी हमको मिलेगा। शांति से चुनाव हुए इसके लिए तमाम मीडिया के बंधुओं को, तमाम लोगों को, प्रशासन के अधिकारियों को, तमाम नेताओं को, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं को मेरी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि सबका कोऑपरेशन रहा और इसके कारण से हम लोग शांति से चुनाव करा सके। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे सचिव आदरणीय तरुण कुमार जी हमारे बीच में मौजूद हैं, आदरणीय माकन साहब ने भी संदेश दिया है, बधाई भेजी है जयपुर, कोटा और जोधपुर के तमाम मतदाताओं को। उन्होंने बधाई देते हुए ये कहा है कि आपने जो सपने सजोए हैं वो हमारी सरकार आपके पूरा करेगी। आपने जो शहरों में पहली बार कांग्रेस पार्टी को विश्वास के साथ में मतदान करके जो विश्वास मत दिया है, हम लोग वहां के मतदाताओं को सर आंखों पे बैठा करके वहां के निवासियों के लिए कल्याण के कार्य हमारी सरकार करेगी। मैं आदरणीय तरुण कुमार जी से निवेदन करूंगा कि वो भी इस मौके के ऊपर अपनी बात रखें। आदरणीय तरुण कुमार, ठीक पत्रकार साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले मैं हमारी अध्यक्षा सोनिया गांधी जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रदेश के प्रभारी अजय माकन जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, हमारे अध्यक्ष भाई गोविंद सिंह डोडासरा जी और कांग्रेस के हर वो कार्यकर्ता, हर वो नेता जिनके कारण आज हम 6 में से 4 हम लोगों ने नगर निगम बोर्ड में अपना बहुमत साबित किया है, मैं हम सभी की ओर से बधाई देता हूं। आज ये राजस्थान की जनता ने दिखाया है
कि राजस्थान का जो शासन है, कांग्रेस का जो शासन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का जो शासन है, वो उन्हें कितना पसंद आ रहा है और वो चाहते हैं कि नगर निगम में भी कांग्रेस जो है वो ऐसे ही कार्य करते रहे, ऐसे ही विकास कार्यों को आगे बढ़ाते रहे। इसी वजह से यहां पर चाहे वो जयपुर हेरिटेज हो, चाहे वो जोधपुर नॉर्थ हो, और चाहे वो कोटा नॉर्थ और कोटा साउथ, चारों जगह पर हमें बहुमत मिला है। ये साफ साफ संदेश है कि देश की जनता, राजस्थान की जनता कांग्रेस को पसंद करती है, कांग्रेस की विचारधारा को पसंद करती है, यहां के प्रदेश की सरकार की कार्यशैली को पसंद करती है, और उसी चीजों को देखते हुए मतदान हुआ जिसमें ये रिजल्ट आया। साथियों, ये अभी ट्रेलर है, बाकी पिक्चर हम लोग सभी के सहयोग से पंचायती राज और जिला परिषद के चुनाव में भी दिखाएंगे। जिस तरीके से जनता ने हमारा साथ दिया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले चुनाव में भी जनता ऐसे ही कांग्रेस को अपना आशीर्वाद, प्रेम, स्नेह देती रहेगी और यही विश्वास जो है वो आगे बना रहेगा। इसी के साथ आप सब पत्रकार भाइयों को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन गुर्जर आरक्षण के मामले में भारतीय जनता पार्टी गुर्जरों को कभी भी उचित सम्मान नहीं देती थी, उनको बेवकूफ बनाने का काम करती थी। पहली बार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने गुर्जरों को आरक्षण दिया, उनकी समस्याओं का समाधान किया। 25 में से 25 कांग्रेस ने यहां पर प्रदेश में बीजेपी को, प्रदेश की जनता ने सांसद दिए, उसके बावजूद वो गुर्जर आरक्षण को 9वीं अनुसूची में केंद्र में नहीं डलवा सके। आज जिन समस्याओं की गुर्जर नेता बात कर रहे हैं, हमारी सरकार के मुखिया अशोक गहलोत जी एक कमेटी बनाई है, मंत्री समूह बनाया, उनसे चर्चा की, पहले भी एक बार चर्चा करके समाधान किया था, फिर 15 दिन बाद में दोबारा उनके आंदोलन की रूपरेखा बनी, दोबारा हमारी सरकार ने कहा आइए बैठिए टेबल के ऊपर वार्ता कीजिए, आपकी समस्याओं का जो राज्य सरकार के संबंध की हो और राज्य सरकार जिसमें विधेयन रूप कर सकती हो वो काम हम लोग उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन मुझे दुख है कि काफी बड़ी संख्या में गुर्जर नेताओं ने उस बात को, सरकार की बात को माना और समझौता भी किया। कर्नल बैसला साहब जो एक फौज में अफसर रहे हैं, बड़े अनुशासित हैं, बुजुर्ग हैं, हम सब लोग उनका सम्मान करते हैं, पूरी कौम भी उनका सम्मान करती है, उनको चाहिए कि सरकार की टेबल के ऊपर आकर के वो बात करें, मंत्री समूह से बात करें, चाहे तो मुख्यमंत्री जी से बात करें, बात करके और जो सरकार के बस में है, जो कानून सम्मत है, उनकी समस्याओं को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं आपके माध्यम से, बैसला साहब को, तमाम गुर्जर नेताओं को, कि हम लोग आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्संकल्पित हैं। लेकिन आंदोलन का रास्ता छोड़िए, ट्रेन पे पटरियां उखाड़ने से, पटरियों पे बैठने से किसी समस्या का समाधान न पहले हुआ है न आज हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि उनको वार्ता के लिए आना चाहिए और समस्याओं को रखनी चाहिए जिससे सरकार समाधान करे। लेकिन मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है गुर्जर नेताओं से कि जिस प्रदेश की जनता ने, जिसमें आप भी हैं, सब लोग हैं, 25 में से 25 सांसद दिए और आज वो मोदी जी से आज तक मिल नहीं सके, 9वीं अनुसूची में गुर्जर आरक्षण को डलवा नहीं सके, तो जो चीज वहां से स्थायी समाधान की है वो करनी चाहिए। बाकी अगर हमारी सरकार से किसी भी तरह की कोई बात करना चाहते हैं तो 2400 घंटे दरवाजे खुले हैं, बात भी करेंगे और होने वाली समस्या का समाधान भी करेंगे।